हेलो एवरीवन, ओसी में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस वो देखे। आज हम जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें दूसरा फॉर्म है कि बिजनेस रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसको बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखने वाले हैं। उसका जो मीनिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, बिजनेस इज इनहेरिटेबल, बिजनेस एक्वायर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड फर्म ऑफ HUF। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड द मेंबर्स। HUF में फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स मतलब बिजनेस मेंबर्स बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच फर्म इज इन द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली का जो हेड होता है उसका बिजनेस का जो एडमिन वर्क होता है उसके पास होता है। ही इज कॉल्ड कर्ता, उसको कर्ता बोलते हैं। इफ द सीनियर एंड मोस्ट एजेड पर्सन डज नॉट विश टू रन द बिजनेस देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज पास्ड टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन। और जो सीनियर पर्सन है उसको नहीं करना है ये बिजनेस, उसको नहीं करना है तो उसके जो उसके नेक्स्ट एल्डेस्ट होता है उसको जो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो उसको मिलता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सच फर्म इज़ पॉपुलर इन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल में ये सारे जो चीज़ें हैं वो पॉपुलर हैं, तो आपको ये चीज़ अंडरलाइन करनी है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम जिसकी हम बात करें तो वो है एग्जिस्टेंस बाय लॉ। द फर्म ऑफ हर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इन टू एग्जिस्टेंस बाय लॉ। उसका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज इन द हैंड ऑफ कर्ता एंड सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। उसके बाद है उसका इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस मैनेजमेंट इज डन बाय कर्ता इंडिपेंडेंटली। अदर मेंबर हैव नो राइट टू टेक पार्ट और इंटरप्ट इन द बिजनेस बट दे कैन हेल्प। जो करता है वही सारी चीज़ें करता है लेकिन किसी को भी इसमें इंटरप्रेट करने का कोई हक नहीं होता है। अदर मेंबर्स कैन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द सूटेबिलिटी ऑफ डिसीजंस टेकन बाय करता। अब उसके बाद है मेंबरशिप। तो उसकी मेंबरशिप कैसे होती है? द मेंबरशिप इन द फर्म ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ बाय बर्थ। ये जो होती है उसकी मेंबरशिप वो बाय बर्थ ही मिल जाती है। द चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली गेट्स द मेंबरशिप राइट फ्रॉम द बर्थ। कोई ह्यूमन का जन्म होता है तभी उसको मेंबरशिप उसकी मिल जाती है। उसके बाद है फिनेंशियल कंट्रोल। ऑल फिनेंशियल मैटर्स ऑफ द बिजनेस लाई ऑन द हैंड्स ऑफ कर्ता। सो द फिनेंशियल मतलब कर्ता बिजनेस करता है तो कंट्रोल भी उसके हाथ में है। लाइबिलिटी इंटायर बिजनेस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्ता, देयर फॉर द लाइबिलिटीज मतलब कि सब कुछ कर्ता करता है तो लाइबिलिटी भी उसके ही हाथ में है। लाइफ साइन ऑन द डेट ऑफ कर्ता द अदर मेंबर ऑफ फैमिली द बिजनेस कंटिन्यूज इफ कर्ता डाइस। कर्ता की डेथ हो जाती है लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यू रहता है और नेक्स्ट सीनियर जो पर्सन होता है वो कर्ता बन जाता है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन राइजिंग फॉल्स। द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ कर्ता। द फर्म हैज़ टू डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ फैमिली फॉर फंड राइजिंग। सो कर्ता को फैमिली पे डिपेंड रहना पड़ता है सो राइजिंग फंड में डिफ़िकल्टीज होती हैं। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी। व्हेन द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंस। फर्म इंसॉल्वेंस तो फैमिली के सब मेंबर्स इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। द माइनर्स आर एक्सक्लूडेड फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। द शेयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ HUF कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। सो आज हमने HUF का टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। थैंक यू।